सभी को जय श्री राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम क्या है और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सभी पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरि शयनी देव शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ पर रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहता है। जो मनुष्य दीप दान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चातुर्मास व्यतीत करता है वह मेरा प्रिय है। चातुर्मास में भगवान विष्णु सोए हुए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भी भूमि पर शयन करना चाहिए। श्रावण में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती है गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशियों का व्रत करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।